प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के जिला अधिकारी सहित सभी विभाग के आला अधिकारी एवं विधायकों के साथ जिला विकास योजना समिति की बैठक ली। बैठक के माध्यम से वर्ष 2020 और 21 जनपद मैनपुरी को प्रस्तावित पर्वे के तहत 28,077 करोड़ रुपयों का बजट जिला समिति के सामने रखा गया, जिसे पास कर दिया गया है। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में सबका विकास सबका साथ के तहत जनपद वासियों को लाभ देने और उनके जीवन में खुशी लाने के लिए मौजूद आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से उन्होंने नौजवानों और गरीबों एवं किसानों की लाभान्वित करने के लिए योजना बनाने का कार्य किया है। उन्होंने हो रही बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए भी कहा कि जो छात्र परीक्षा में टॉपर का स्थान बनाता है तो हमारी सरकार उसके घर तक एपीजी अब्दुल कलाम के नाम से बनाया जाएगा और शिलापट पर उस बच्चे का नाम भी लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, वे राष्ट्रीय स्तर का कोई पदक जीत कर आए तो उन्हें मेजर धन्यवाद विजय पद के साथ नाम से खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने का कार्य करेंगे। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी विभागीय अधिकारी, मैं आप सभी को आने वाले होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी ओर से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से। आज मैनपुरी जनपद की जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक के माध्यम से 2020 और 21 के लिए मैनपुरी जनपद का जो प्रस्तावित पर्वे है 280.77 करोड़ है। इस बैठक के माध्यम से आज यह जो बजट जिला योजना समिति के सामने 2020-21 के लिए रखा गया है, उसे सभी मान्य सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास करने का काम किया है। उनके जीवन में खुशी लाने के लिए जहां जिला योजना समिति के माध्यम से जो हम सब लोग कर पा रहे हैं वो अच्छा से अच्छा करके देने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जो राज्य योजना से भी हम लोग मैनपुरी के विकास के लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं और करने का प्रयास करेंगे। मैनपुरी एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है प्रदेश का, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा पक्षी विहार, साथ ही मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली जयवंत ऋषि जी का भी यहाँ पर स्थान और ऐसे कई ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा का हिस्सा, तो मैनपुरी का महत्व कितना है उसे शायद शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन हमारी कोशिश होगी जिले के प्रभारी मंत्री के नाते कि हम मैनपुरी का सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास और जो जनता की जरूरत है उस जरूरत को ध्यान में रख करके, जहाँ एक ओर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीबों के लिए जितनी योजनाएं उन्होंने बनाने का काम किया, किसानों के लिए जितनी योजनाएं बनाने का काम किया, नौजवानों के लिए जितनी योजनाएं लाने का काम किया और देश को मेक इन इंडिया की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया, और जब से प्रदेश में हमारी सरकार आई है तो हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में लगातार प्रदेश के विकास की योजनाएं सभी 75 जिलों की दृष्टि से बिना भेदभाव के करने का प्रयास किया गया है। और उसी के क्रम में अभी हम लोग इन परीक्षाओं में टॉप 20 में स्थान लाएगा, उसके घर तक की और जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़कर की टॉपर के स्थान में अपना स्थान बनाता है उसके घर तक की सड़क को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाया जाएगा और उस शिलापट पे उस बच्चे का नाम भी लिखा जाएगा।
इसी प्रकार से जो खेल के क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली बहुत सारे खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर का कोई पदक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पदक जीत करके आएंगे और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से उन खिलाड़ियों के घर तक की सड़क भी बनाने का काम करेंगे। हम सब आज देश में सुरक्षित हैं तो देश की सीमाओं पर जो तैनात हमारे बहादुर जवान हैं, कई बार दुश्मन के साथ लड़ाई में हमारे बहुत सारे जवानों का, फौजियों का बलिदान हो जाता है, तो जो ऐसे बलिदानी हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए होंगे, उनके गांव की तक की सड़क भी और उनके गांव में एक उनके नाम से द्वार का निर्माण करने का काम भी यह किया जाएगा। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क, जिसमें लगभग 9 किलोमीटर नई सड़क बना रहे हैं और 11 किलोमीटर जो बहुत जर्जर अवस्था में उनको फिर से पूरी तरह से चौड़ीकरण करना, उनको और नए तरीके से सुदृढ़ीकरण करना यह भी तय किया है। 46 नए राजमार्ग भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अभी मैनपुरी से भी कुछ प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे थे, चाहे रेलवे ओवरब्रिज हो चाहे अंडरब्रिज हो, उनकी दृष्टि से भी कदम उठाए जा रहे हैं और हमारी सरकार का और हमारे मैनपुरी जनपद का यह प्रयास है कि यह जिला एक मॉडल जिला बने विकास की दृष्टि से भी, और जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को मैनपुरी में लाने की दृष्टि से भी, ऐसा मैं आज के दिन कहना चाहता हूं। और एक अपील और करना चाहता हूं से भी, मैनपुरी की जनता से भी, कि कोरोना वायरस जो चाइना से लिया गया है और इस संबंध में जितनी जल्दी से जल्दी कैंसर संस्थान को चालू कराने का कार्य हो सकता है। सर, एक सवाल, जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी ऐसा कुछ नहीं, लोग स्वतः संज्ञान लें, अभी तो कोई सरकारी स्तर पर कोई निर्णय नहीं है। सर, सरकार की कोई विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें 251 की करीब सीटें मिलेंगी, तो क्या भाजपा इससे उन तैयारी क्या कर रहा है? भाजपा की तैयारी दुरुस्त है, 300 पार 2017 में थे, 300 पार 2022 में भी। सर एक सवाल, सर सरकार की योजनाएं सब ठीक है लेकिन क्या मैनपुरी जनपद को ऐसी कोई सौगात मिलेगी जिससे जो मैनपुरी के लोग बाहर काम करने जरूर मिलेगी? मेडिकल कॉलेज तो माननीय कैबिनेट मंत्री जी बता ही रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें सरकार के संज्ञान में है। दो स्टेट सॉरी उसमारा मैनपुरी अलीगंज बदायूं किया है, हाईवे मैनपुरी के अंदर आए हैं और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इससे जहाँ सड़क होती वहाँ विकास होता है, जहाँ बिजली होती वहाँ विकास होता है, जहाँ सुरक्षा का माहौल अच्छा होता है वहाँ निडर होकर के निवेश होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है सर, स्वास्थ्य विभाग का खूब अच्छा बनना है, लेकिन सर डॉक्टरों की बहुत कमी है यहाँ। वो थोड़ी समस्या कोई उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं कि इससे ये समस्या का समाधान। सर जनपद में फायर ब्रिगेड के अधूरे जानकारी मिल गई है और उसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो अधूरे काम है उन्हें शीघ्रता से पूरे करें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.